मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आर्यन है। जो चैनल पे नया उनको बता दूँ, मेरा चैनल इज़ ऑल अबाउट फिल्म मेकिंग, ट्रैवलिंग और व्लॉगिंग। तो आज 5th नवंबर, आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। आज मैं फिर से जम्मू की एक अनएक्सप्लोर जगह देखने जा रहा हूँ। अभी मैं अपने भैया का वेट कर रहा हूँ, भैया आते हैं फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, अब प्रणब भी आ गए हैं, भैया को ज्वाइन कर लिया। अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी हम रामनगर के रास्ते में हैं। यहाँ से रामनगर 23 किलोमीटर्स है, आप देख सकते हैं पीछे भैया भी हैं। और यहाँ का ठंड बहुत हो रही है तो मेरे हाथ बिल्कुल सुन पड़ गए हैं। कोई नहीं, गाइस हम रामनगर पहुंच गए हैं। और अभी यहाँ हमें पता चला डुडू अलग जगह है और बसंतगढ़ अलग जगह है। तो अब मैंने अपने एक स्कूल के फ्रेंड मुनीश को कॉल किया, वो आ रहा है, वो यहीं रहता है रामनगर। अब वो आएगा, उससे पूछेंगे कि कहाँ जाए। डुडू है यहाँ पे, अभी हम GPS में डाल रहे थे, जम्मू में तो दिखा नहीं रहा था, अब यहाँ पर दिखा रहा है। रामनगर पुलिस स्टेशन से, पुलिस स्टेशन के पास ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा लोकेशन का। इधर हमने एक पुलिस वाले अंकल से पूछा, वो बोल रहे हैं डुडू जाओ, वो भी अच्छा, बसंतगढ़ भी अच्छा, बसंतगढ़ ज़्यादा सुंदर है। बट अगर डुडू जाएंगे तो हम वहाँ से शुद्ध महादेव मानतलाई भी जा सकते हैं। तो इसके आगे आता और गाइस, ये मेरा दोस्त है मुनीश। मास्क तो नीचे कर ले, ऐसे ही यार। अभी हम कुलवंता के आगे पहुंचे हैं, कुलवंता जगह आएगी रास्ते में। तो आप बर्फ़ देख सकते हैं सामने, कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है गाइस। गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अभी इधर रोड तो है नहीं, तो आप लोग बाइक वगैरह पे नहीं आए, अगर आना है तो गाड़ी वगैरह पे आए, यहाँ पूरा रोड ख़राब है। त्रेई किलोमीटर इधर से नहीं, आप देख लेना उधर जाके, कैथा से 3 किलोमीटर है गंद टाप। और शिव गली 7 किलोमीटर होगा पीछे, 7-8 किलोमीटर शिव गली। तो हम बेसिकली निकले थे डुडू के लिए, बट किसी ने बोला डुडू इतनी अच्छी जगह है नहीं देखने के लिए, शिव गली और यहीं जाओ। हाँ ठीक है, डुडू भी अच्छी है, अच्छी है डुडू भी अच्छी है, लेकिन शिव गली थोड़ा ऐसी है, कैसे प्लेस अच्छा है जगह। हाँ शिव गली है, थोड़ी ऊँची जगह है, ऊँची मेरे उधर थोड़ा डाउन में,
शिवकली चलते हैं उसको, घंटा में रुक के शिवकली निकलते हैं। पे बैठे हुए हैं, ऑमलेट ऑर्डर दिया है, अब हमने डिसाइड किया हम शिव गली तक ही जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे। बिना प्याज वाला ये ले गाइस, ऑमलेट आ गया, आप देख सकते हो यहाँ ब्रेड भी नहीं है। गाइस हम गंटॉप पहुंचने वाले हैं और यहाँ से एक व्यू पॉइंट आया तो वो देख लेते हैं। गाइस आप रास्ता देख सकते हैं कैसा रास्ता है, बैठे बैठे बाइक पे आप पीछे दर्द होने स्टार्ट हो गई है यार, थक गए हैं। आगे जी गन टॉप कितनी दूर है यहाँ से? गन टॉप साथ ही अच्छा जगह देखने वाली है, जगह देखने वाली है, अच्छी जगह है, मंदिर शंदिर है, मंदिर मंदिर है, सिंचाई का मंदिर है, बास का मंदिर है। हाँ जूता देख के आप लगा सकते हो हिसाब की किस तरह की ऑफ रोडिंग की आज हमने। भैया साफ कर रहे हैं अभी। घंटा पहुंच चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा दूंगा, थोड़ा सिनेमैटिक करके सब कुछ, आप इंजॉय करो। गाइस अब हम शिव गली के लिए निकलने लगे हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर है यहाँ से, चलो चलें। भाई जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना पहाड़ी है ना, हाँ जी पास आते जा रहे हैं भाई, तो जंगल गली पहुंच गए हैं, सॉरी जंगल गली नहीं, हम शिव गली पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं अभी हम व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं, यहाँ ब्रेक लगाई है। फाइनली हम शिव गली पहुंच चुके हैं, आप हमारे पीछे व्यू देख सकते हो, ये मेरे पीछे का व्यू है, आप देख सकते हो बर्फ वाला, दिखाओ उधर देखो। अब थोड़ा पैदल ट्रैकिंग टाइप देखते हैं, ऊपर है बैठने की जगह, गाइस ये पीछे के जो पहाड़ हैं यहाँ से हिमाचल को रास्ता जाता है, बेसिकली इसके पीछे भद्रवाह है, यहाँ से कैलाश कुंडा है इसके पीछे जो उधमपुर और भद्रवाह के बीच में आता है, तो ऊपर से पूरा ये बादल नहीं है, बर्फ वाले पहाड़ हैं, तो यहाँ पे एक तालाब वो है मतलब लेक है यहाँ पे, तो यहाँ पंडित जी ने बताया हम शायद थोड़े दिन बाद फिर से आए और लेक जाएंगे और लेक देखेंगे, अभी तो पॉसिबल नहीं, आज घर जाना है क्योंकि घर पे बता के नहीं आएगी, रात को स्टे करना है। गाइस हम जम्मू के लिए वापस निकल रहा होने वाला है, रास्ते में एक आंटी मिले थे, उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे रात को जंगली जानवर आते हैं, रास्ता बिल्कुल ख़राब है 30 किलोमीटर ही बचा है यहाँ से रामनगर तक, 30-40 के पास, पर रास्ता बिल्कुल ही ऐसा है, रोड है ही नहीं है और यहाँ जंगली जानवर आते हैं, तो अब हमें डर लग रहा है। आंटी से पूछा कौन से, तो आंटी कहते मैंने कभी देखा नहीं है। रामनगर तो रास्ते में जंगली जानवर आते हैं, आते हैं पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, शुक्रिया। कोई बोल रहा आते हैं, कोई बोल रहा नहीं आते हैं, पता नहीं यहाँ पे तो। गाइस आप देख सकते हैं ये ऐसा रोड है, हमारी बैठे बैठे जो हालत ख़राब हुई है, 4, 5, 6, 8, 15 हो गई है, आप समझ सकते हो अब, प्रणब भैया की तो मेरे को लगता है 32 हो गई होगी। अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है गाइस, कहीं से भी कोई भी जानवर अटैक कर सकता है, बाकी जय राम जी की।
अगर हुआ तो फिर दुआ में याद रखना। बाकी गाइस ये चीज़ें सुबह में ही अच्छी लगती हैं, जंगल रात को डर ही देता है। बस टिप्स हमें मिल चुके हैं, कोई जंगली जानवर दिख जाए तो रेस देना, लाइट मारना, बाकी सब सही है गाइस। यहाँ आपको 4G नेटवर्क मिलेगा ऊपर तक, बस रोड नहीं मिलेगा, रोड के अलावा सब मिलेगा भाई। गाइस अब हम रामनगर से कोई 14 किलोमीटर दूर है, ऊपर है हाइट पे हैं अभी, और अभी पक्का रास्ता आया, अब हमारी कहीं 32 से 8 हुई है, बट स्टिल क्या बताऊँ गाइस, जब तक यहाँ रोड नहीं बनता तब तक आप यहाँ से मत आना। अगर आपको कभी भी आना हो तो आप मानतलाई वाले रास्ते से आए, वो रास्ता थोड़ा लंबा है बट वो रास्ता साफ है, ऐसा हमने सुना है, यहाँ लोगों ने ऐसा कहा है। पर हाँ बुजुर्गों ने कहा है तो बुजुर्ग सही बोलते हैं। हाँ पर रास्ते में कभी भी किसी से रास्ता पूछो तो देखना उसकी एज पे, अगर बूढ़ा होगा तभी विश्वास करना। हम हाईवे पे पहुंच गए NH 44 पे फाइनली, 8:08 रह गए हैं, सेफली पहुंच गए हैं, किसी जंगली जानवर ने अटैक नहीं किया हम पे।